साथियों, आप सबका आज की आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आपने बीते कुछ दिनों में ये देखा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार के दिल्ली में 9 जेल बनाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खारिज किया, उसके बाद भाजपा की सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर को एक जेल बना दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान और निवास स्थान के आसपास के इलाके में एक प्रकार से अघोषित आपातकाल लागू किया गया था और पूरे इलाके को एक छावनी में बदल दिया गया था। हमने देखा कि जिस जगह माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं उस पूरी सड़क को जाम कर दिया गया, कोई व्यक्ति ना आ सकता है ना जा सकता है। और कल जनता द्वारा चुने गए आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, मंत्री व सांसद और साथ में दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान आने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के घर के भीतर नहीं जाने दिया। उनके घर पे जो लोग काम करते हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी के घर पे नहीं जाने दिया और एक प्रकार से कन्फाइनमेंट, कारावास में दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को रख दिया गया। उनसे कौन मिलेगा इस पे प्रतिबंध लगा दिया, मुख्यमंत्री जी बाहर ना निकलें इस पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया और पूरी तरीके से एक हाउस अरेस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री को रख दिया गया। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, जब उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी खुद वहां 2.5 घंटे तक जमीन पर बैठे रहे, पुलिस से संघर्ष करते रहे कि मुझे जाने दो, मुझे मेरे मुख्यमंत्री से मिलने दो, अंततः पुलिस ने एक रास्ता और एक दरवाजा मुख्यमंत्री जी के घर का खोला। मैं आपको बता दूं कि 2 दरवाजे हैं जिसमें से एक दरवाजा मुख्यमंत्री जी के घर जाने का खोला और उसमें उप मुख्यमंत्री जी और चंद लोगों को अंततः जब भारत बंद समाप्त हो गया तो जाने दिया गया। यह पूरी कवायद इसलिए चलाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी देश के किसान के साथ ना खड़े हों, कहीं अरविंद केजरीवाल जी जो सिंगू बॉर्डर से देश के किसान, देश के अन्नदाता का सुख दुख का ख्याल रख के पूरे अरेंजमेंट्स का इंस्पेक्शन करके वापस लौटे, वो कहीं वापस अपने घर से बाहर निकलकर भारत बंद में देश के किसान के साथ ना खड़े हो जाएं, कहीं इस किसान आंदोलन को और मजबूती ना दे दें, कहीं किसानों की इस इनकलाब की आवाज को और बुलंदी ना दे दें। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी को कल जब तक भारत बंद चलता रहा एक पूर्ण तरीके से कारावास यानी कि 100% हाउस अरेस्ट में रखा। शाम आते आते एक दरवाजा अवश्य खोल दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह कहना चाहता हूं कि आज भी, अभी भी मुख्यमंत्री जी के घर का एक दरवाजा, मुख्यमंत्री जी के घर जाने की एक सड़क पूरी तरीके से बंद है। वो दरवाजा जिस दरवाजे का प्रयोग कर अक्सर हम सब मुख्यमंत्री जी के घर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद उस दरवाजे के माध्यम से घर के बाहर आते हैं, जो लोग वहां काम करते हैं वो मुख्यमंत्री जी के घर में जाते हैं, जनता अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने जिस दरवाजे का प्रयोग करके जाती है, आज भी उस एक भाग को घर के, एक भाग को सड़क के, उस एक दरवाजे को पूरी तरीके से पुलिस ने बंद कर रखा है। और इस बार पुलिस का साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 4-5 नेता जो उस दरवाजे के बाहर बैठ गए हैं। भाजपा के नेता भी उस दरवाजे के बाहर बैठ गए हैं और पुलिस ने भी अपनी कई सारी कंपनियां बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठी डंडे के साथ वहां लगा दी हैं। और एक प्रकार से आज भी
मुख्यमंत्री जी का कारावास चल रहा है, आज भी उनकी राइट टू फ्री मूवमेंट पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा है, और ये बिल्कुल फैक्चुअल है, आप खुद जाकर अपने कैमरे से देखकर चेक कर सकते हैं। एक दरवाजा अवश्य पीछे वाला शाम को खोल दिया जिससे कुछ लोग आ जा सकते हैं, लेकिन आज भी दिल्ली पुलिस ने गृहमंत्री अमित शाह जी के कहने पर, अरविंद केजरीवाल जी की मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उनके एक घर के दरवाजे पर एक भाग को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का क्या जुर्म है, उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? क्या वो देश के किसान के साथ खड़े हो गए, ये आपको बुरा लग रहा है? क्या आप अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए सजा दे रहे हो कि उन्होंने देश के किसान को भर्ती करने के लिए, उसको बंद करने के लिए जो 9 जेल आप बनाना चाहते थे वो 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए अरविंद केजरीवाल से बदला ले रहे हो क्योंकि वो किसानों के सुख दुख में शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पर पानी से लेकर शौचालय तक, कंबल से लेकर लंगर तक की व्यवस्था बनाई ताकि देश का अन्नदाता अपनी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद कर सके, इसलिए आप अरविंद केजरीवाल जी से बदला ले रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से यह पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो एक सेवादार की भूमिका में सिंगू बॉर्डर गए, एक सेवादार की भूमिका में देश के किसान के साथ खड़े हैं, आज एक सेवादार से एक चौकीदार को इतनी परेशानी क्यों? आज एक सेवादार से एक चौकीदार को इतना परहेज क्यों? क्योंकि लगता है कि चौकीदार को ऐसा लग रहा है कि ये सेवादार देश के किसान की सेवा कर रहा है, देश के अन्नदाता की निष्काम सेवा कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आज तो आपके चार नेता मुख्यमंत्री जी के घर के दरवाजे के बाहर पुलिस की सहायता से बैठे हैं, पुलिस ने अभी भी मुख्यमंत्री जी के घर के एक भाग को छावनी में तब्दील कर उन्हें कारावास में रखा हुआ है। आप भाजपा वालों चार नहीं 400 नेता भी अपने अगर मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बिठा दोगे ना कि मुख्यमंत्री जी किसानों तक ना पहुंच पाए, तो भी आप हमें वो 9 जेल की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो भी आप मुख्यमंत्री जी को देश के किसान के पास पहुंचने से नहीं रोक सकते, तो भी आप मुख्यमंत्री जी को देश के अन्नदाता के सुख दुख में शामिल होने से नहीं रोक सकते। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि चार नहीं 400 नेता भी अपने वहां तैनात कर दो, और एक कंपनी नहीं पुलिस की 400 कंपनियां भी तैनात कर दो, तो भी अरविंद केजरीवाल जी को देश के किसान की सेवा करने से और देश के किसान के सुख दुख में शामिल होने से आप नहीं रोक सकते। ये आपातकाल की परिस्थितियां देश की राजधानी में बनाई है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को उसी के राज्य की पुलिस एक कन्फाइनमेंट में, हाउस अरेस्ट में तब्दील कर दे, उस देश का, उस राजधानी का क्या होगा? आज हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम तो एक बहाना है, वास्तव में किसान आंदोलन पर निशाना है। भाजपा वाले बस यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से ना निकल पाए, माननीय मुख्यमंत्री जी देश के किसान तक ना पहुंच पाए और उनकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद ना कर पाए, और आज उनसे बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं दी। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भाजपा वालों तुम जितनी मर्जी पुलिस तैनात कर दो और चौकीदार जी जितने मर्जी नाराज हो जाएं, लेकिन सेवादार कभी भी किसानों को भर्ती करने की 9 जेल की अनुमति नहीं देगा। चाहे जितनी परेशानी चौकीदार को सेवादार से हो जाए, लेकिन सेवादार कभी देश के किसान को 9 जेलों में तब्दील होने की
अनुमति नहीं देगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज हमारे देश के अन्नदाता के साथ खड़ा है। मरते दम तक हम उनके साथ खड़े हैं और इस संघर्ष में उनकी आवाज को और बुलंदी देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। There are two things. First of all, since you've asked in English, I'll respond in English. The fact that the Honorable Chief Minister of Delhi was put in confinement, people were prohibited from entering his house, including elected legislators and lawmakers were completely prohibited from entering his residence premises, and he was prevented from stepping out of his residence and having essentially impinging on his right to free movement, shows that the Honorable Chief Minister was put under house arrest. Every allegation that the opposition political parties level are absolutely inaccurate and malafide, and the best possible evidence that we have to prove this is the camera of your news channel, which was there yesterday outside the Chief Minister's residence. That's point number one. Point number two, with regard to notification of laws, any law proposed by the Union Cabinet, passed by the Parliament with majority, which essentially is a law of the union, gets implemented in every state, in every nook and corner of this country. No state government has the power to decide on the implementation or on the non-implementation of any such law. Had that been the case, had the state government had that remit, jurisdiction or power, you would find that these lakhs and lakhs of farmers that are protesting outside the union government would have been protesting outside the Chief Minister of Punjab's residence and asking him to not implement these laws. The farmers of Delhi would have been protesting against the Chief Minister of Delhi's residence, urging him to not notify these laws. The notification or the lack of it, the implementation of these laws or the non-implementation of these laws is not in the remit of any state government. These are laws proposed by the Union Cabinet and passed by the Parliament. So परमिशन दे दी है, ओके कर दिया है बिल को, फिर आगे किसानों के साथ कैसे खड़ी है? हम तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आज हम किसान के साथ खड़े हैं। हम ये मांग करते हैं कि तीनों बिल रिपील होने चाहिए, खत्म होने चाहिए तीनों बिल, और एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर किसी राज्य सरकार के हाथ में होता कानून लागू करना या कानून लागू नहीं करना या कानून लागू करने पे रोक लगाना, तो देश का किसान उस राज्य के मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़ा होता कि भाई इस राज्य में मत लगाओ। पंजाब का किसान पंजाब के मुख्यमंत्री को कह रहा होता कानून मत लागू होने देना। दिल्ली का किसान दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़ा होता। हरियाणा का किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़ा होता और कहता कि भाई साहब इस कानून को लागू मत होने देना, केंद्र ने पास कर दिया तो कोई बात नहीं, आप मत लागू करना। लेकिन देश का किसान आज किससे यह मांग कर रहा है, किसके खिलाफ विरोध कर रहा है? केंद्र सरकार के विरोध कर रहा है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो आज कोशिश क्या करी जा रही है कि टेक्निकलिटीज में उलझाकर बरगला दिया जाए, झूठ फैलाया जाए। कभी क्या ये फैलाते हैं कि भाई आपने नोटिफाई कर दिया, कभी फैलाते हैं कि जो देश का किसान आंदोलन कर रहा है वो आतंकवादी है, वो अपराधी है, वो गुंडा है, वो क्रिमिनल है। आज बहुत ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीन चीजों की मास्टर है, डिसीव, डाइग्रेस एंड डाइवर्ट। ये तीन डीज भाजपा बहुत ही बखूबी इन तीन डीज का प्रयोग करके मुद्दे से भटकाने की कोशिश करती है कि चर्चा फार्म लॉस पे ना हो, चर्चा देश के अन्नदाता के आंदोलन पर इनकलाब पे ना हो, चर्चा इन सब अगल बगल के छोटे मोटे मुद्दों पर हो ताकि बात भटक जाए। हमने भटकने नहीं देना, आपने हमने मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना। जो सवाल इन्होंने किया वही मेरा भी है कि विपक्ष बार बार कह रहा है कि केजरीवाल जी को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है,
वो सिर्फ अंदर रहने का नाटक कर रहे हैं, जिस पर पुलिस की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हाउस अरेस्ट कर रहे। सीसीटीवी फुटेज भी आई शादी मैरिज के लिए जी जी मुख्यमंत्री जी की। मैं बता देता हूँ, देखिये आप लोगों को, आप सब बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप लोगों को सिर्फ एक फुटेज पे विश्वास करना चाहिए, वो है आपके न्यूज चैनल के कैमरे की फुटेज। आप सब बहुत सम्मानित न्यूज चैनल से आते हैं, आप सब कल अपने अपने न्यूज चैनल के कैमरे के साथ मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर मौजूद थे। आपके कैमरे में क्या तस्वीरें कैद हुई? आपके कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई कि उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के घर नहीं जाने दिया गया, सांसदों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, विधायकों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, पार्षदों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया, दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। हाउस अरेस्ट की कानूनी परिभाषा क्या होती है कि किसी एक व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में, यानी कि कारावास में, उसके घर में या किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर बंद कर दिया जाए, उसे किसी से मिलने ना दिया जाए, किसी को उसके भीतर ना जाने दिया जाए, उसको घर के बाहर ना आने दिया जाए, ये हाउस अरेस्ट होता है। इसी हाउस अरेस्ट में मुख्यमंत्री जी को लागू किया गया। हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट द्वारा जारी करी गई फुटेज पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके न्यूज चैनल की फुटेज पे विश्वास करना चाहता हूं कि आप क्या दिखा रहे हैं। आप सम्मानित हैं, आपकी विश्वसनीयता है, भाजपा की क्या विश्वसनीयता है? मैं तो आपके फुटेज पे विश्वास करूंगा। आपके फुटेज ने भी यही दिखाया जो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को किसी से नहीं मिलने दिया गया, मुख्यमंत्री जी को उनके घर के बाहर नहीं आने दिया। वाले स्पीकर फिर बाद में कैसे फिर परमिशन दे दी, बाद में फिर कैसे घूम के जाने दिया गया? ये सब तो देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, दो ढाई तीन घंटे के संघर्ष खुद उप मुख्यमंत्री ने किया, 24 घंटे का संघर्ष आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, उसके बाद कल दिल्ली पुलिस ने एक रास्ता खोला, एक सड़क का एक भाग खोला, घर का एक भाग खोला जाने के। लेकिन आज भी मैं, आज की प्रेस वार्ता इस मुद्दे पर है कि आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक भाग, एक दरवाजा पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है, वहां से कोई आ जा नहीं सकता, उनकी राइट टू फ्री मूवमेंट को इम्पिंज किया गया है। आज भी एक प्रकार का कारावास मुख्यमंत्री जी पर थोपा गया है, और उनका जुर्म सिर्फ यह है कि मुख्यमंत्री जी ने देश के किसान को बंद करने के लिए दिल्ली में 9 जेल नहीं बनने दी, देश के किसान के सुख दुख में मुख्यमंत्री जी शामिल हो गए, देश के अन्नदाता के लिए कंबल से लेकर लंगर तक की व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बना दी, ये उनका अपराध है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बदला ले रही है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के सेवादार से देश के चौकीदार को परेशानी हो रही है। वहां पे आज भी बीजेपी के कई नेता पहुंच रहे हैं, जो लोग बीजेपी के लोग बैठे हुए वहां पे लेकर, तो आप लोगों को नहीं लगता कि एमसीडी के मसले को मिल बैठ के सुलझाया जाना चाहिए? हर आज भी लोग वहां पे बैठते हैं। मैं तो कह रहा हूं एमसीडी भाजपा ये सब जो हो रहा है, एमसीडी तो बहाना है, किसान आंदोलन पे निशाना है। 4 लोग नहीं, 400 लोग भी अगर भाजपा के, और 4 सांसद नहीं, 400 सांसद भी भाजपा के अगर आकर अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठ जाएं और कहें कि केजरीवाल जी को नहीं निकलने देंगे, नहीं जाने देंगे, उनके घर को घेर लेंगे, उनको आने जाने नहीं देंगे उनको, तो भी अरविंद केजरीवाल जी को देश के किसान के साथ खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी हम आपको 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं देंगे, फिर भी हम सुख दुख में देश के किसान के साथ खड़ेंगे, और सिंघू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे लंगर से लेकर कंबल तक की पूरी व्यवस्था देश के किसान के लिए करेंगे, उनकी पूरी मेजबानी करेंगे, और एक सेवादार की भूमिका अवश्य निभाएंगे।